अब दिख रहा है आपको yes, sir. Okay, great. Sir, मुझे sir, मुझे नहीं दिख रहा सर ओके okay. एक बार आप दोबारा से रिलॉग लौ, इन करेंगे yes, sir. Sir, करके एक नहीं तो आप एक बार यूट्यूब पे भी ट्राई कर सकते हैं ओके okay, यदि कुछ प्रॉब्लम मुझे।, मुझे ऐसा लग रहा है सर सर मेरा खत्म हो गया सर। नहीं तो आपकी आवाज नहीं आती फिर आप एक काम करें आप यूट्यूब पे मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप एक बार वहां पे भी ट्राई कर लें है ना एक मिनट जस्ट अड चलिए मैंने वो लिंक भी डाल दिया है फाइन चलिए स्टार्ट करते हैं आपको रीजन बताना है कि उसका आंसर ऐसा क्यों है ओके okay, चलिए चलिए कल्पना मैम बताइए फर्स्ट शंकर एंड संबू आर वेरी इरेगुलर इन हिज हैबिट्स ऑडिबल कल्पना मैम आपको आवाज आ रहा है Hello, Kalpana ma'am, am I audible? Yes sir. Okay, Charlie. Mm. So Sankar and Sambu are very irregular in his habits, but they ये शंकर एंड शंबू क्या है प्लूरल और हेज क्या है सिंगुलर hmm. जो यूट्यूब पे है वो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं कमेंट ऑप्शन दिया हुआ है ओके hmm. सो okay. so, ये संकर एंड शंभू क्या है बताइए ये प्लूरल है hmm. और हेज़ क्या होता है ही का हेज होता है गॉरेट सो so, यहां पर क्या हो गया ये सिंगुलर हो गया हमें क्या चाहिए प्लूरल चाहिए तो यहाँ पे इन हेजनी होगा इन देर ठीक है गॉरेट ओके नेक्स्ट वाला बताइए इसमें माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज मी तो यहां पे मी क्या ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन अब माय फ्रेंड क्या है सब्जेक्टिव है है ना माय फ्रेंड क्या हो गया सब्जेक्टिव हो गया तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है तो यहां पे क्या आना चाहिए सब्जेक्टिव केस आई गॉट इट नेक्स्ट इट वॉज म हु बिगिन द खरवेल है न इोज ही बताइए यहां पर इज ही क्यों आएगा आन प्लेस ऑफ मी दीपक आपका आंसर बिल्कुल सही है है ना इरवोज हेम एरवोज हेम नहीं आएगा इरवोज ही आएगा क्यों क्योंकि आप क्या बोलते हैं जैसे एट एज मी है ना तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ आता है जब आपको आश्चर्य होता है है ना हो मी ठीक तो ऐसे ही आप ये नहीं बोल सकते हैं इट वाज ही नहीं बोल सकते हैं आप सॉरी हिम नहीं बोल सकते हैं है ना क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं यहां पे तो आपको बोलना पड़ेगा इट वाज ही है ना नॉर्मल सेंटेंस गॉट इट तो यहां पे इट वॉज ही कॉरेक्ट आएगा ना कि हिम नेक्स्ट द क्रू म्यूठिन एंड मर्डर्ड हेज ऑफिसर है ना उन्होंने विद्रोह किया और मर्डर कर दिया है ना तो हेज ऑफिसर देखिये क्रू एक से ज्यादा हो गए है ना तो ये सिंगुलर के साथ लगता है तो यहां पर क्या आएगा इट्स इट्स ऑफिसर गॉर एट नेक्स्ट दिफॉल्ट एंड क्रिटिक has left has a uh, just a second this one person waiting okay yampadikte the poet and critic has a soft corner in their heart for shakespeare. so yampe their heart a poet hai or critic hai to their anachi लेकिन ये गलत है क्यों क्योंकि यहां पे आर्टिकल भी तो लगा हुआ है है ना आर्टिकल भी लगा हुआ है इट तो यहां पे जब आर्टिकल लगाए तो इसका मतलब क्या हो गया ये दोनों एक ही पर्सन है आए समझ में आपको पोइट एंड क्रिटिक क्या है एक ही पर्सन है और जब एक ही पर्सन है तो यहां पे देर नहीं आएगा यहां पे क्या इट आए समझ में Every man and every woman has their नहीं जब एवरी आएगा तो हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं ना तो यहां पे ये प्लूरल नहीं लगेगा सिंगुलर लगेगा है ना तो हैज या हार्ड सिंगुलर लगेगा गॉर चलिए नेक्स्ट देखते हैं You and I. जो नहीं आए आप दीपक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इधर जो भी नहीं आया अंकिता मैम आप पूछ लीजिएगा हम्म तो कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा सर मैं तो सुन रही हूँ यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं ना नहीं हो पा रहे तो सुन रही है कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे पूरा लाइव आ रहा है नहीं आ रहा सर नहीं आ रहा सर नहीं okay. आ रहा सर और पता नहीं क्या कर रहा है नेट में दिक्कत हो रही है सर ओके फाइन फाइन नेक्स्ट देखिए सर आप पढ़ा दीजिए सर मैं सुन लूंगी ओके ग्रेट यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी नहीं यू एंड आई देखिए यू एंड आई जब भी आई आता है हम्म याद रखिए जब भी आई आता है है ना तो आर होगा क्योंकि आई के साथ कोई भी पर्सन आ रहा है तो वी हो जाता है और वी का क्या होता है आप पजेसिव केस आर सो यू एन आई तो यहाँ पे क्या आएगा hmm. देखिए आई के बाद यू है, है ना तो आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर अब मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंस जो आते हैं ठीक है उनके ऑर्डर कैसे रहते हैं तो टू थ्री वन है ना तो टू यानी कि सेकेंड पर्सन यू थ्री यानी कि थर्ड पर्सन ही शीट एंड वन यानी कि आई फर्स्ट पर्सन तो यहाँ पे आई एंड यू नहीं होगा यू एंड आई इज द करेक्ट आंसर गॉट इट कल्पना मैम नेक्स्ट यस ओके नेक्स्ट देखिए दे प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई है ना बताइए क्यों गलत हो गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगता है यू का तो यू ही रह जाता है और आई का क्या होता है मी है ना तो यू एंड मी इज देंसर नो बडी विल हेल्प यू बट आई है ना ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी है ना तो यहां पे क्या हो जाएगा मी आएगा ओके okay. चलिए जस्ट सेकेंड अब हम ड्रैग कर लेते हैं इसको नेक्स्ट नो विल हेल्प हैव यू ये हो गया हमारा बर्ड्स बेल्स इट्स नेस्ट है ना ये सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर नहीं लगाना हम्म देर यानी प्लूरल बर्ड्स की बात कर रहे हैं ओके मनोज ब्रॉट हिज बुक एंड लेड देम ऑन द टेबल ठीक है देखिए यहां पे क्या है मनोज ब्रॉट हिज बुक्स एंड लेड देम अब एक ही किताब है ना तो देम नहीं आएगा एट आएगा ठीक है सिंगुलर नेक्स्ट इफ द सीफ़ इज कॉट अब देखिए सीफ एक ही है ना तो यहां पे दे नहीं आएगा यहां पे क्या आएगा सिंगुलर ही गॉट इट आई लव यू एज मच एज शी नहीं आई यू यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां पे क्या आएगा हर इट वॉज मी इट वॉज आई मी कब आएगा जब आश्चर्य वाली बात होगी एक्सप्लेनेशन मार्क लगेगा इट वॉज आई हु इट है ना यहाँ पे मी नहीं आएगा मी बिटवीन यू एंड मी है ना बिटवीन प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस तो यू एंड आई की जगह मी बिटवीन क्या है प्रिपोजिशन सो ओके नेक्स्ट आई यू एंड ही मस्ट हैव दैट फूवमन है ना? आई यू एंड ही तो इसमें देखिए ये हो गया वन टू एंड थ्री ये कब आता है जब गिल्ट वाली बात हो यहाँ तो नॉर्मल सेंटेंस है तो आपको क्या बनाना चाहिए इसको टू थ्री वन होना चाहिए टू थ्री वन ये ऑर्डर होना चाहिए टू यू ही एंड आई Got इट आए समझ में ओके नेक्स्ट यू ही एंड आई आर टू ब्लेम है ना अब यहां पे ब्लेम गिल्ट की जब बात होती है तो सीक्वेंस क्या होता है वन टू एंड थ्री तो यहां पे क्या हो जाएगा आई यू एंड ही नेक्स्ट हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम अब कंपैरिजन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट का है ना, हिज एल्डर ब्रदर म्यूजियम है ना the boys. Plural है ना, तो his parent नहीं, प्लुरल ईच बॉय जब ईच लग जाता है तो सिंगुलर होता है देयर नहीं होता है है ना? तो यहां पे आप क्या लगाएंगे his या फिर हर क्यों? ईच लग रहा है एवरी लग रहा है तो इंडिविजुअल लेवल पे आप बात करते हैं कोई डाउट ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं है ना नेक्स्ट द विमेन विद देयर हस्बैंड गॉन टू विजिट द ताजमहल है ना द विमेन अब एक ही सिंगुलर है तो देयर आएगा क्या यहां पे नहीं हर आएगा मिस्टर पाठक एज वेल एज हिज ब्रदर्स है ना हैज अब देखिए ये हैज क्यों लग रहा है ब्रदर्स के बाद क्योंकि एज वेल एज में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है ना? Has. तो has है ना हैज तो इसलिए हैज लगा अच्छा यहां पे देयर गलत हो गया क्यों क्योंकि भाई फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव भी लगेगा तो यहां पे हो जाएगा हेज नेक्स्ट देखिए द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेड हिज नहीं अब यहां पे भी आर्टिकल लगा यहां पे भी तो यहां पे क्या हो जाएगा देयर गॉड इट समझ में ओके okay, आगे बढ़ते देर मैनी अ गर्ल्स अब अ आ गया ना मैनी के बाद आता तो सिंगुलर चलेगा हैज अब देखिए सिंगुलर का हैज लगा है है ना और यहां पे देर नहीं आएगा सिंगुलर क्या होगा हर आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर ही आई वर ही क्यों क्योंकि इफ आई वर इफ आई वर अ पेंटर इफ आई आई वर यू इफ आई वर ही है ना इस तरह से तो बनाते हैं आप यदि मैं तुम होता तो इफ आई वर ही होगा ना कि हिम सब्जेक्टिव केस लगता है याद रखिए लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड आई है ना बिटवीन आ गया ना प्रिपोजिशन तो यू एंड मी ठीक द डॉग हैज इट्स बोर्न ये इट इज के लिए होता है तो एपस्ट्रोफी एस नहीं आएगा इट्स अ लॉन्ग वे होम इट इज अ लॉन्ग वे क्योंकि ये पॉजेसिव होता है ये तो है ना तो आप पॉजेसिव केस नहीं लगाएंगे ईद अंजनी और बंटी ईदर और आ गया तो इधर और में क्या लगता है सेकंड के अकॉर्डिंग तो हैज लेफ्ट बिहाइंड बंटी के अकॉर्डिंग द पीपल डिमांडेड अ पीपल है ना लोग बहुत सारे हैं तो यहां पे क्या आएगा देयर राइट है ना देयर प्लूरल के अकॉर्डिंग okay. हां जी सर सर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है sir? हाँ जी आ रही आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ओके नेक्स्ट देखिए द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट्स अब और आ गया ना तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा है ना शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ देखिए स्टूडेंट्स है ना तो यहाँ पर सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे देयर स्कूल okay just a second now she wouldn't marry a man such as he Anna right? comparison such as he not him गो विद चिंटू गो विद चिंटू एंड शी टू विजिट दे है ना शी टू विजिट अब जब भी प्रिपोजिशन की बात आती है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं आप है ना तो गो with चिंटू एंड शी की जगह आप क्या लिखेंगे हर है ना विद विद preposition. तो चिंटू एंड चिंटू का तो कुछ ऑब्जेक्टिव केस बनेगा नहीं शी का बन जाएगा फिर यहां पे तो दम ऑब्जेक्टिव केस ओके नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ ही हु सो व्हाट इज द नेम ऑफ ओके व्हाट इज द नेम ऑफ हिम प्रिपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस ओके

सर मैं ये कह रही थी सर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर हाँ जी हाँ जी सर पर स्क्रीन नहीं आ रही हो सर बार बार सर लेफ्ट हो जा रही हूँ मैं उसके बाद सर एरर फाइव कोड पता नहीं कुछ ऐसा लिख के आ रहा है सर इस पे तो आप आपको यदि जूम पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस पे आ जाएं यूट्यूब पे है सर हो ना सर नहीं ना सर मैं भी सर मैं तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा सर हाँ तो फिर आप देख लीजिए आपको डिवाइस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है हम्म एक बार चेक कर लीजिए आप सर आज इसको ना वो करूंगी हाँ एक बार चेक कर, कर लीजिएगा कर या फिर रीइंस्टॉल कर लीजिएगा आप अपना है ना ओके सर मैं ये कह क्लास खत्म होने के बाद ना मुझे लिंक फिर से शेयर कर देना सर हाँ डोंट वरी डोंट वरी आई एल शेयर ओके नाउ चलिए तब तक मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं Now, so, ये हमारा हो गया ना यहां से देखिए ओके जस्ट अ सेकेंड दिस वन स्टूडेंट ओके Okay. Now. So there is an agreement. Okay. There is an agreement. Hmm. Uh, between Mr. Pathak and the objective case I Me. Okay. Father took my sister. See, father took my sister. And I took my sister and me. Objective case. Kyogre huh? object will be, so my sister to so my sister will be, and me. Mm. To the picture. Give it to they. No, Give it to preposition we are a them. Mm. Remember. We score as many goals as they. जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट गॉट इट चलिए नेक्स्ट राजीव गेव संजय एंड देखिए यहां पे क्या है राजीव गेव संजय एंड आई, ठीक है तो यहां तो आई के जगह क्या हो जाएगा मी ठीक बाय सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस संजय का तो संजय ही रहेगा आई का मी हो जाएगा ठीक है एंड वी वेंट टू द पिक्चर विद विद प्रिपोजिशन हिम एंड हिज सिस्टर गॉट इट इजी छोटी छोटी चीजें रहती हैं एग्जाम में आपको पूरा गलत करता है हिट्स इफ ही हिट्स अब ये देखिए सब्जेक्ट व ऑब्जेक्टिव केस हर ही विल हैव टू हिट मी ओके हर एंड मी देखिये कभी भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट नहीं होता सेंटेंस शी एंड आई यू नो देल एज आई है ना यू नो दैट एज वेल एज आई ओके इट इज हिम इट इज हिम दैट डज नॉट लाइक सुग इन हिस्टी नॉट आई इट इज ही इट इज हिम क्यों नहीं होगा बताइए इट इज हिम क्यों नहीं होगा इट इज हिम जब आश्चर्य की बात हो तब आप लगाएंगे ना इट इज हिम इट इज इट इज मी ठीक है तो आपको करना पड़ेगा इट इज ही बिनोद एंड हिम टुक देखिए बिनोद एंड ही ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा सब्जेक्ट की जगह पे ठीक याद रखिए ओके okay. नेक्स्ट लेट यू एन आई है ना लेट यू एन आई नहीं होगा यू एन मी क्यों लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है ना तो यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा आई का क्या रहेगा मी हो जाएगा वर्क टूगेदर वी कैन डू बेटर देन वी कैन डू अब कंपेरिजन हो रहा है ना बेटर देन कंपेरिजन है तो दे ठीक है आगे समझ में आपको आई यू एंड सी कैन नेवर बी फ्रेंड्स है ना यू देखिये टू थ्री वन मैंने सिक्वेंस बताया था यू थ्री क्या सी एंड आई है ना टू थ्री वन ओके चलिए डू यू सिंक दे आर स्ट्रांगर देन एस है ना सो डू यू सिंक दे आर स्ट्रांगर देन आप देखिए दे आर स्ट्रांगर देन वी ना कंपैरिजन कर रहे हैं सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ चलिए तो ये तो आप वो कैडरीज के सेशन में देख आपने देखा ही होगा अब चलते हैं बाकी कितने क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं ओके इट इज चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं डैश ऑफ टू खाउस देखिए टू काउ है ना तो टू ईच ईच में कितना होता है ध्यान दीजिए ईच में होता है दो दो से ज्यादा एवरी Every में एवरी वन हमेशा दो से ज्यादा है ना यहां पे डैश ऑफ दीज टू टू बॉयज है ना है ना मे स्टैंड फर्स्ट तो दो में से तो इधर इधर में क्या होता है दो में से कोई एक ठीक डैश ऑफ द टू सर्वेंट्स फिर से दो आ गया है ना टोल द ट्रूथ कि किसी ने नहीं बोला है, नन नहीं आएगा दो के लिए बात चल रहा है तो नीदर आएगा है ना डैश ऑफ द थ्री ऑफ थ्री आ रहा है ना तो नीदर नहीं आएगा क्यों क्योंकि नीदर तो दो के लिए होता है दो में से कोई भी नहीं नन आएगा है ना दो से ज्यादा के लिए आई डिड नॉट बाय है ना डैश ऑफ थ्री पेंस ठीक तो आई डिड नॉट बाय यहां पे क्या आ जाएगा तीन पेन हो गए ना तो एनी क्यों इधर में दो होता है दो में से कोई एक ठीक है कोई डाउट नो ओके चलिए नेक्स्ट ही वॉज हेल्दियर देन ही वॉज हेल्दियर देन ठीक अब यहाँ पर कितना दो ब्रदर्स में से कोई एक होगा ना तो ईदर लगाएंगे है ना ठीक टू पेंसिल्स ठीक दोनों में से कोई एक तो दो पेंसिल इधर, है ना? टू बॉयज दो के लिए ईद दो में से कोई भी नहीं नेक्स्ट हम्म hmm. डैश ऑफ द थ्री सिस्टर्स मैरिड मैरोइड थ्री आ गया थ्री सिस्टर्स तो नन आएगा क्यों नीदर दो के लिए आता है है ना ओके डैश ऑफ फाइव टीम्स में विन देखिए फाइव टीम्स है तो यहां पे कितना आएगा एनी निदर कितने कितने दो में से कोई एक के लिए होता है तो एनी आंसर एवरी वन ऑफ द टू बॉयज है ना दो बॉयज हैं तो दो बॉयज के लिए क्या लाएगा एवरी वन नहीं आएगा ईच आएगा है है ना ईच क्या होता है? दो या दो से ज्यादा ईच ईच ऑफ फाइव देखिए अब पांच है ना तो each नहीं एवरी वन आ जाएगा है ना क्योंकि पांच में क्या आएगा ईच तो दो या दो के लिए दो से ज्यादा एनी वन ऑफ द टू रोड है ना एनी वन नहीं आएगा क्योंकि दो रोड में से कोई एक जाता है तो इधर क्योंकि इधर का मतलब होता है दो में से एक नन ऑफ द टू गेस्ट है ना नन ऑफ द टू गेस्ट अब दो ही गेस्ट है तो नीदर ना कि नन नन तो दो से ज्यादा के लिए होता है टू क्वेश्चन एनी वन ऑफ द टू क्वेश्चन तो दो ही क्वेश्चन है तो दोनों में से एक देना है तो ईदर नीदर ऑफ द फोर अब फोर है तो नीदर नहीं आएगा नन आएगा है ना ठीक दो के लिए नीदर हो, होता है ना कि चार के लिए गोरेट आगे बढ़े ओके नन ऑफ द टू पेन्स देखिए दो पेन है तो नीदर ठीक एनी वन ऑफ द टू मन अब दो हैं तो ईद ठीक नन ऑफ द टू सिस्टर दो है तो नीद नीदर ऑफ द फाइव देखिए पांच है तो नन नीदर कितने के लिए होता है दो के लिए anyone, anyone of the two, दो है तो ईद एनी वन नहीं आएगा ही कुड नॉट मीट ईदर ऑफ थ्री ब्रदर देखिये थ्री है ना तो थ्री के लिए एनी वन आएगा है ना ईदर कितने के दो में से कोई एक तो यह गलत हो गया यहां पर है ना नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स दो है ना तो नन नहीं आएगा क्या आएगा दोनों में से कोई नहीं तो नीदर है ना गॉरिटे आगे बढ़ते ओके ईच ऑफ द मेंबर्स हैड अब देखिये ईच ऑफ यानी प्रत्येक देयर ओन ओपिनियन देअ अब देखिये देर नहीं आएगा यहां पर है ना क्यों क्योंकि ईच सिंगुलर लेता है तो हेज शी वॉज मोर ब्यूटिफुल है ना शी वॉज मोर ब्यूटिफुल अब देखिये शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ थ्री सिस्टर्स थ्री है तो एनी वन गॉड इट ईच ऑफ दिक्स बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड द टास्क अब सिक्स बॉयज है ना तो ठीक और ईच ऑफ लगा हुआ है ईच सिंगुलर लगाता है ठीक तो देयर टास्क नहीं ईच में क्या लगता है सिंगुलर लगता है ईच ऑफ यानी प्रत्येक ने छ में से सभी ने लगभग है ना प्रत्येक ने इंडिविजुअल लेवल पे नीदर आदित्य नॉर डन रुद्रांश नहीं सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगा नीदर नॉर में गॉट इट चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए ईधर द इंजीनियर और हेज देखिए ईधर और लगाए तो सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगा तो मैकेनिक्स जो है वो प्लूरल है तो यहां पे क्या आ जाएगा हेज के जगह देर क्योंकि मैकेनिक्स क्या है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे ना आप तो हिज नहीं आएगा ये प्लूरल है तो देर लगाएंगे आप इट Great. Okay, these are cavalry. Okay, चलिए फटाफट देख लेते हैं. We do have only five minutes now. Okay. So the two sisters loved. Abdo right? right? Each other. टिल चिल्ड्रन लव वन एन अदर अब लिटिल चिल्ड्रेन है ना तो यहाँ पे नंबर तो फिक्स नहीं है तो वन एन अदर दो है तो क्या आ जाएगा इच अदर ठीक है दे ऑल अब दो से ज्यादा वन एन अदर ठीक दे वन एंड अदर क्योंकि दो से ज्यादा हो गए ठीक है टू मैन हेट अब दो हैं ईच अदर नीरज मोहन एंड सूर्य मोहन अब दो हैं ईच अदर रेनु विवाह पूनम एंड प्रीति हेल्व वन एन अदर दो से ज्यादा हो गए वी शुड ऑल लव वन एन अदर द कपल स्पोक टू ओके द कपल अब यहां पर दो है ना इच अदर ठीक है गॉरेट दिस इज द लास्ट वन एंड आफ्टर दैट वील फिनिश टूडे सेशन ओके द टू मैन स्ट्रक वन एंड अदर है ना वन एंड अदर क्यों नहीं आएगा क्योंकि दो आदमी है तो ये वन एंड अदर दो से ज्यादा में लगते हैं तो ईच अदर देव ईच अदर अब दे ऑल यानी कि दो से ज्यादा होंगे तो वन एंड अदर आने चाहिए रमन एंड मीना कितने हो गए दो हो गए तो ईच अदर होना चाहिए सिक्स मैन अब दो से ज्यादा हो गए तो ईच अदर नहीं आएगा वन at अदर आएगा ही दो हैं तो ईच अदर were conversing वर कन्वर्सिंग एक्सपेक्टेड बाय देखिए सिक्स है तो वन एंड अदर ऑल ऑफ them one अदर ईच अदर में दो ही होते हैं बोसवस मॉग्ड एट वन अनदर दो हैं तो बोस में दो होते ना ईच अदर दे ऑल एग्रीड अब यानी दो से ज्यादा हो गए वन अनदर ईच अदर ईच अदर से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता याद रखिए तो दे लगाएंगे वन अनदर से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है तो दे लगाएंगे है ना चलिए सो थैंक्स सो मच आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं कल से हम वर्ब स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉट इट Great. So, miltein same time. Take care. Have a nice time. Good night. Bye bye. Bye bye, sir. Bye bye. Good night. Good night.